सिद्धी लकीर च तुसें सारे लोकें दा मता मता मलार। डोगरी दी गल करनी ऐ ते मता मता मलार करना ते बनदा ही ऐ। डोगरी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, यानी कि लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डोगरी की एक पोइम पढ़ी जाए और लोग उसे अप्रिशिएट करें, क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं जिस व्यक्ति से आपको अभी मिलवाने जा रही हूँ, जो जम्मू की कुड़ी हीना महाजन, उनकी लिखी हुई एक पोइम यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल फेस्टिवल फॉर इंडिजिनस लैंग्वेजेस में पढ़ी गई और पब्लिश भी हुई। तो हीना, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। हेलो। पहले आपसे ये समझ जाऊँगी कि कितनी खुशी की बात है कि डोगरी लैंग्वेज, यानी कि जम्मू की अपनी डोगरी लैंग्वेज की एक लिखी हुई पोइम इंटरनेशनल फोरम में पढ़ी जाती है, लोग उसे पसंद भी करते हैं। कितनी खुशी हुई आपको ये देख के कि मेरी लिखी हुई पोइम इतने बड़े लेवल पर पहुंची? ऑफ़ कोर्स खुशी होती है जब जम्मू का नाम आता है और डोगरों का नाम आता है। इंडिया की बात करें तो अभी बहुत पीछे है डोगरी, मतलब कि लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है डोगरों के लिए। बट अब इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई रिसाइट करता है डोगरी पोएम तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। एंड वो भी अगर मेरी पोएम है तो इट्स लाइक डबल द हैप्पीनेस कि हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा कि किस तरह से पॉसिबल हो पाया, आपने पोएम कैसे लिखी, फिर वो इतने बड़े लेवल पर पहुंची कैसे, रिसाइट किसने की, फिर उसे पब्लिश करने के लिए जो डोगरी की स्क्रिप्ट है, ताकरी स्क्रिप्ट, उसमें ट्रांसलेट किसने किया? या एक्चुअली मैं कुछ भी लिखती हूँ तो आई शेयर ऑन ट्विटर, मीन्स मुझे अच्छा लगता है ट्विटर पे शेयर करना, क्योंकि वहाँ पे लोग पढ़ते हैं और सराहते हैं कि हाँ, ये अच्छा काम है। एंड बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि राइट इन डोगरी, तो जब मैंने लिखना शुरू किया डोगरी में तो ये मेरी पहली पोएम थी। तो उसके बाद मैंने और 4 पोएम्स लिखी हैं। तो फिर वहाँ से मुझे एक मनु खजूरिया, जम्मू की ही लड़की हैं बट शी स्टे आउटसाइड, वहाँ पे ही रहती हैं, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप अगर एक 8 to 10 लाइन्स की पोइम शेयर करोगे मेरे साथ तो मैं उसको वहाँ पे जो फंक्शन होगा वहाँ पे मैं ज़रूर ऐड करवाऊँगी। तो मैंने उनके साथ शेयर किया, तो उन्होंने, उनके एफर्ट्स थे और उन्होंने वहाँ पर ये इंट्रोड्यूस किया डोगरी पोएम को। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीच में थोड़ा सा रिग्रेट नहीं हुआ कि भाई मेरी लिखी हुई पोएम यूएन में पढ़ी जा रही है, लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पढ़ी जा रही है, मैं क्यों नहीं हूँ वो जो पढ़ रही है वो पोएम? नहीं, क्योंकि जो मनु खजूरिया है शी इज़ अ फेस टू जम्मू डोगरा के लोगों का, एंड शी इज़ हार्ट ऑफ डोगरी, मीन्स कि अगर मैंने पढ़ा, उन्होंने पढ़ा, द थिंग इज़ कि डोगरी पोएम पढ़ी गई, एंड दैट वॉज वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट कि हाँ, ये पढ़ दी। हाँ, थोड़ा सा था कि मैं भी शायद वहाँ पे होती, मैं भी उनको सुनती वहाँ पे जाके, या मैं ही रिसाइट करती, बट देन कि डोगरी पोइम पढ़ी गई, दैट्स बेस्ट थिंग कि हुई, पॉसिबल हुआ। पोइम की बातचीत होगी तो आपके बारे में बात करते हैं। मुझे बताओ, घर पे भी डोगरी बोलते हो घर वालों के साथ, या फिर डोगरी केवल साहित्य के लिए है कि भाई लिखना है तो डोगरी में लिखना है लेकिन बात करनी है तो हिंदी में? नहीं, अभी मैं ट्राई करती हूँ, बोलते हैं, मीन्स अगर दादी नानी के साथ बैठेंगे तो ऑफ कोर्स हम डोगरी में ही बात करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा एम्फसाइज डोगरी पे ही करेंगे। बट ऐसे था कि मैं जब बाहर स्टडीज़ करती थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, यहाँ पे जम्मू में थोड़ा सा हम लोगों का है एक मे बी हम हेजिटेट करते हैं बोलने से या कुछ भी है। तो वहाँ पे कैसे, महाराष्ट्र में मैं थी तो वहाँ पे लोग दे प्रेफर फर्स्ट लैंग्वेज मराठी, कि बोलेंगे या बात करेंगे तो मराठी फर्स्ट प्रेफरेंस है, ना कि हिंदी ना कि इंग्लिश। तो यहाँ पे लगता था कि ओके, जम्मू में डोगरी क्यों नहीं है, कहीं पे ग्रुप्स में खड़े हो जाओ तो यहाँ पे हम हिंदी या इंग्लिश प्रेफर करते हैं, ना कि डोगरी। तो हाँ, तब से मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था कि हाँ, हमारी डोगरी को भी प्रमोशन मिलना चाहिए, क्यों नहीं, जब हम बच्चे खड़े होते हैं तो हम लोग क्यों डोगरी में नहीं बात करते, हम लोग क्यों इंग्लिश और हिंदी यूज़ करते हैं। तो ये मेरा पहले मेन था कि हाँ, ऐसा होना चाहिए। अब आपकी जर्नी की बात करते हैं, स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज कहाँ से कंप्लीट किया? मैंने जम्मू दी कुड़ी बोल तो दिया, तो असली में जम्मू दी कुड़ी है? हाँ, नहीं, ऑफ कोर्स मैं जम्मू दी कुड़ी ही हूँ। स्कूलिंग मेरी जेके पब्लिक स्कूल से हुई है, और उसके बाद मैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बाहर पूना में गई थी। तो फिर वहाँ से फिर मैंने 2 साल जॉब किया इन्फोसिस में, एंड फिर बैक टू होम। तो वापसी, घर वापसी जम्मू हो ही गई। हाँ। तो ये इंटरेस्ट जो है लिटरेचर में या लिखने का जो शौक है, ये कब से हुआ?
ये लाइक बचपन से था, कुछ लिखती थी फिर काट के बस फेंक देती थी, कभी ऐसे हुआ नहीं कि मैं इसको ट्राई करूँ लाइक एज अ प्रोफेशन या ऐसे कुछ। बट जब अभी लिखा, जब मैंने तो ट्विटर पे ही शेयर किया, तो लाइक बहुत लोगों ने ऐसे बोला कि कॉम्प्लीमेंट्स मिले, सब मिला, तो फिर थोड़ा इंटरेस्ट बूस्ट हो गया, हाँ लिखना चाहिए लिखना चाहिए। और जब डोगरी में लिखा तो सच में लोगों ने ज़्यादा अप्रिसिएशन दिया, तो लगा क्यों ना यार डोगरी में ही लिखे, यार डोगरी अपनी भाषा है और लोगों को पढ़ेंगे सुनेंगे देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, तो इसलिए फिर डोगरी में भी लिखा। जैसे आपने कहा कि लिख के आप फेंक देते थे, मैं जानती हूँ कि जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, उन लड़कियां स्पेशली, उनकी जो मम्मियां होती हैं ना, वो उनकी राइटिंग्स हो, उनका आर्ट हो, उनकी हर एक चीज़ को बड़ा संभाल के रखते हैं कि भाई तुम मत फेंको, ये कभी ना कभी तो किसी ना किसी को तो मैं दिखाऊंगी, कभी ना कभी काम आएगा। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? मेरी जितनी भी डायरीज है, मीन्स मैं लिखती थी एंड देयर लाइक कि मैं कहीं ना कहीं रख देती थी, और मुझे आज तक नहीं पता मेरी डायरीज कहाँ पे है। बट अगर आप मम्मा का कबर्ड चेक करेंगे तो वो सारी डायरीज मम्मा के पास अवेलेबल है, और मैं बोलती हूँ ये तो मेरी है, मैंने तो फेंक दी है। मम्मा कहती नहीं नहीं मैं इसमें अपने नोट्स लिखती हूँ अब। तो शी हैज़ एवरी रिकॉर्ड विद हर। डोगरी में लिखना कब से शुरू किया? डोगरी में अभी आप बोल दो कि 2-3 मंथ्स पहले ही मैंने, ये मेरी फर्स्ट पोएम थी, उसके बाद मैंने 3-4 पोएम्स लिखी हैं, तो अभी लिख और कहीं शेयर नहीं किया, कुछ नहीं, सिर्फ ट्विटर पे ही शेयर किया था, तो बस ये यहाँ से ही। और इंग्लिश में लिखती हूँ, इंग्लिश में ऑलमोस्ट 50 पोएम्स लिखी हैं, तो उसमें एक बुक भी मैंने पब्लिश किया है, तो इट्स लाइक कि अमेजोन पे है, बुक का लाइक नाम भी बता दो। ईस्टर्ली वर्सेस, तो वो अमेजोन पे है, उसमें भी पोएम्स लिखी हैं, तो अराउंड 30 पोएम्स हैं उस बुक में। जब स्कूलिंग करते हुए या कॉलेज टाइम में कोई ऐसा टीचर या कोई ऐसा फ्रेंड, कोई ऐसा शख्स जिससे बहुत इन्फ्लुएंस हुए, जिसने बहुत मोटिवेट किया हो कि भाई आप लिटरेचर परस्यू करो, फाइनेंस में क्यों जाना है, या फिर इस तरह के ये 9-to-5 जॉब में क्यों जाना है, अगर शौक है लिखने का तो लिखते क्यों नहीं हो? लाइक मेरी प्रिंसिपल थे मिसेस पुष्पा चावला, तो लाइक मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड थी, लाइक द वे शी टॉक, द वे शी रिप्रेजेंट हर सेल्फ एंड द नॉलेज शी हैव एंड लाइक हर एबिलिटी, लाइक हाउ शी टॉक विद स्टूडेंट्स, तो उससे मैं बहुत इन्फ्लुएंस थी। और उनकी जो थिंकिंग थी, इट वॉज अनरिस्ट्रिक्टेड, ये नहीं कि हाँ बस ये है, या स्मॉल थिंकिंग नहीं थी, शी यूज़ टू थिंक वास्ट, और उनके आइडियाज़ और थाट्स से मैं बहुत इन्फ्लुएंस थी। एंड अगर मैं ऐसे घर पर बोलूँ तो मेरे पापा से आई एम वेरी इन्फ्लुएंस, लाइक उन्होंने कभी डीमोटिवेट नहीं किया कि बेटा रुक जाओ या नहीं करना है ये चीज़, कभी नहीं, मतलब कि मुझे याद नहीं है कि कभी उन्होंने ना बोला होगा किसी चीज़ के लिए। ही इज़ ऑलवेज लाइक एनकरेजिंग, करो करो करो, तो ये नहीं बोला कि बेटा आप जॉब करो, आप बिजनेस करो या कुछ करो, एनीथिंग आपका जो इंटरेस्ट है वो करो। तो इट्स लाइक कि उनसे भी इन्फ्लुएंस, और ऑफकोर्स माई प्रिंसिपल। तो डैड ने फुल सपोर्ट दिया और मॉम ने डायरी संभाल के रखी। जब ये पोइम लंदन में पढ़ी गई तो ज्यादा खुश कौन था, डैड था मॉम थे? पहले तो मैंने पापा को सुनाया एंड ही वॉज लाइक ही ब्लेस्ड मी, उन्होंने अपना हाथ सर पे रखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड लाइक मम्मा को सुनाया तो शी इज़ लाइक हाँ क्या कहाँ है मुझे दिखाओ। उनको पहले प्रूफ दिए सारे कि हाँ ये आ गई है पोएम एंड दिस, फिर वो बहुत खुश थे लाइक, एंड शायद मेरी सिस्टर ने ही आप लोगों को भी कॉल कर दिया, तो इट्स लाइक वैसे ही हो गया। तो फुल सपोर्ट मिल रहा है। ये जो डोगरी में जब आप लिखते हो पोएम्स, आपने कहा कि ये आपकी पहली पोएम थी, ये किस बारे में थी और किन इश्यूज के ऊपर आप ये पोएम्स लिखते हैं? जम्मू में लाइक अभी हम देखते हैं कि आउट ऑफ स्टेट जाएंगे, नोबडी नोज डोगरा कौन है, लाइक आप बोलोगे कि जम्मू से हो तो दे प्रेफर कि आप कश्मीरी हो, मतलब कि वो बोलते हैं आप कश्मीरी हो, कोई ऐसा बोलता नहीं है कि अच्छा डोगरा हो जम्मू के, मीन्स मेरे को जितने भी लोग मिले सब कश्मीरी ही बोलते हैं, तो मैं बोलती हूँ नहीं नहीं मैं डोगरा हूँ, तो वो बोलते हैं डोगरा क्या है, कश्मीरी हुए ना जम्मू के हो, तो वही लगता था कि अरे डोगरा भी कोई है, मीन्स कोई आइडेंटिटी आइडेंटिटी है आप लोग, मतलब कि जम्मू में डोगराज हैं, कश्मीर में कश्मीरीज हैं, तो ये आइडेंटिटी डिफरेंट है, बट डिफ्रेंसिएशन ज़्यादा किसी को पता नहीं है बाहर, तो वही लगता था कि हाँ डोगराओं का भी नाम होना चाहिए यार, कि हाँ जम्मू के डोगरे हैं, लोगों को रिकग्निशन मिलनी चाहिए, तो इसीलिए थोड़ा इंटरेस्ट था। तो ये जो पोएम है ये किस थीम के ऊपर लिखी है, और मैं चाहूंगी कि आप थोड़ी सी पढ़ के भी हमारे व्यूअर्स को दिखा दें। हाँ ये पोएम एक्चुअली मैंने जम्मू पे लिखी है कि जम्मू में कहाँ कहाँ जगह, मीन्स थोड़ी प्लेसेस के बारे में, और जम्मू में क्या क्या स्पेशलिटी है उस चीज़ के बारे में लिखी यानी है, जम्मू की आइडेंटिटी के बारे में। ऑफ कोर्स जम्मू की आइडेंटिटी के बारे में। इफ यू कुड जस्ट रिसाइट अ फ्यू लाइंस। या श्योर। पोएम का नाम है जमुदी चिड़ी। उड़दी उड़दी आई चिड़ी पुजी जम्मू शहर, खंड मिठे लोग इत्थे ना झगड़ाना बैर,
तवी जाइए पानी पीता तोते अपने पैर, बावे जाइए मत्था टेकिया प्रसाद आली बर्फी लगी बड़ी शैल, दिखिया बहु फोड़दा बाग बगीचा और उत्थे दी चैल पैल, राजे दे अमर महल दी बखरी ए डैल, मैटाडोर दी कीती सवारी पुजी रघुनाथ बाजार, जम्मू दी मशहूर चीज़ां लभदियाँ इत्थे हज़ार, टक्की चढ़िए गई उपर खादा कचालू चाट, फिर राजा रानी दे महल दी देखी उन्ने ठाट, मंदरां दा शहर कुमी कामिए पुजी गई चनाब, ठंडी ठंडी हवा उत्थों दी उत्थे दे नज़ारे लगे लाजवाब, आखदी मैं इत्थों दी चिड़ी इत्थे के रोना, जम्मुआ बाहर जाइए मिगी कुछ नहीं थोना। मतलब हर एक एरिया सब कुछ कवर कर लिया इसमें। राइट इस पोइम से तो दिख रहा है कि मतलब आपको खाने का बहुत शौक है। आर यू अ फूडी? या ऑफ कोर्स आई एम अ फूडी। तो जम्मू की जो स्पेशलिटीज हैं, कचालू है, चाट है, सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा तो राजमा चावल पसंद है जम्मू के, एंड उसके बाद कलाड़ी कुलचा और लाइक ऑफ कोर्स कचालू और गोलगप्पे। मतलब सब कुछ ही आ गया। ये जो पोइम आपने लिखी, ये तो आई थिंक पूरा जो आइडेंटिटी है, डोगरा आइडेंटिटी है, जम्मू के जितने पॉपुलर स्पॉट्स हैं ये सारे कवर कर लिए। आपने बोला कि आपने और भी दो तीन पोइम्स ट्विटर पे लिखी, वो किन्हीं इश्यूज़ के रिगार्डिंग थी या वो भी सिमिलरली जम्मू की आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए थी? एक तो मैंने पोएम लिखी थी कि वो थी जो हम बचपन में जब जाते थे नानी के घर या अपनी दादी के घर पे थे, तो कैसे लाइक हम लोग लाइक रहते थे वहाँ पे, क्या खाते पीते थे, कैसे इंजॉय करते थे, रहन सहन कैसे था जम्मू के लोगों का पुराने टाइम पे, उसके बारे में लिखा था। एक ये जो हरी सिंह जी के बारे में लिखी है मैंने पोएम, और एक ऐसे लिखी है कि लाइक एक दो और पोएम्स लिखी हैं, लाइक एवरीथिंग इज रिलेटेड टू जम्मू ओनली। तो कैसा रिस्पांस मिलता है ट्विटर पे जब लोग पढ़ते हैं? लाइक बहुत अच्छा लगता है जब लोग रिव्यूज देते हैं कि यार हाँ कोई जम्मू के बारे में लिख रहा है, एंड दैट टू इन डोगरी, तो बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है लाइक कि हाँ कि एक रिकग्निशन है, और लोग भी पसंद करते हैं लाइक डोगरी का। एक लाइक चीज़ है कि एक थोड़ा सा हिचकिचाहट है शायद लोगों में, बट जब कोई डोगरी लिखता है या रिसाइट करे या कोई बोले, तो लाइक जो उसको एनकरेजमेंट मिलता है वो बहुत अच्छा है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस जब लिखना शुरू किया तो डोगरी ही था, या पहले ट्राई किया कि हिंदी में, इंग्लिश में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाए लिटरेचर की, फिर डोगरी में आते हैं? नहीं, पहले तो इंग्लिश में ही लिखा, जब लोगों ने अच्छे रिव्यूज दिए तो सोचा कि क्यों नहीं डोगरी में भी लिखें। डोगरी की कुछ किताबें या कुछ पोइट्री आपने पढ़ी हो, या ऐसा कोई शख्स, कोई राइटर जिससे आप थोड़े इंस्पायर हुए हो? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। लोग मुझे बोलते हैं कि लाइक आप भी लाइक डोगरी में लिखो, कि अच्छी कविता लिखते हो तो डोगरी के लिए, बट ऐसे मैंने पहले पढ़ा नहीं है ज़्यादा डोगरी में, या ऐसे कोई बुक्स वगैरह नहीं पढ़ी है। और अब जो पोइट्री लिख रहे हो, मन करता है कि ऐसे जब इवेंट्स हो या फिर कोई प्रोग्राम्स हो या डोगरी को प्रमोट करने का जहाँ मौका मिले तो वहाँ पे मैं अपनी पोइम्स जाके रिसाइट करूँ? हाँ, मन करता है, भी थोड़ी सी लाइक थोड़ी नर्वसनेस हो जाती है, बट लाइक अच्छा लगता है कि अगर लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो क्यों नहीं। ज़रूर। और लिटरेचर को भी हटा के साइड पे, इस इवेंट को भी साइड पे हटा के, टाइम पास करने के लिए क्या कुछ करना पसंद है? टाइम पास करने के लिए मुझे तो ड्राइविंग बहुत पसंद है, ऐसे कुछ काम नहीं होता तो आई गो फॉर लॉन्ग ड्राइव्स, और वहाँ मतलब डोगरी में गेड़ियाँ मारना पसंद है। हाँ, वही गेड़ी मारने चली जाती हूँ, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने चली गई, नहीं तो ऑफकोर्स खाना, फूडी हो तो कहीं पे जाके कुछ खा लूँगी, और एल्स लाइक कुकिंग अच्छी लगती है मुझे करना, लाइक गार्डनिंग कर लेती हूँ कभी कभी, और राइटिंग तो अच्छी लगती ही है। तो अब सिंस आप इन्फोसिस छोड़ के वापस जम्मू आ चुके हैं, अब आगे क्या सोचा है कि भाई अब फाइनली मौका मिल चुका है लिटरेचर में अपना ये नाम, अपना पहचान बनाने का, वो भी डोगरी लिटरेचर में, तो वही करना है या फिर अभी भी टू माइंडेड हो कि जॉब मिल जाए तो जॉब में चले जाएंगे? लाइक बिजनेस कर का मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है कि कुछ करना है खुद से, लाइक ऑफकोर्स पापा के साथ करती हूँ, बट अपना कुछ करने का मौका मिलेगा तो ज़रूर करूँगी, एंड उसके अलावा ऑफकोर्स डोगरी को पोइट्री लिखना तो नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज इट्स लाइक अभी एक हॉबी बन गई है मेरी, इट्स लाइक लिखना ही है, तो अगर नहीं लिखती हूँ तो दिमाग में सब घूमता रहता है, ये लिखूँगी वो लिखूँगी, तो इट्स लाइक कि लिखूँगी ज़रूर और साथ में कुछ बिजनेस करूँगी। ऑलराइट, अब आखिर में मैं चाहूंगी कि सिंस आप अपनी पोइट्री ट्विटर पे शेयर करते हैं तो जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप उनको ट्विटर हैंडल बता दें ताकि वो भी आपको सर्च करें, वो भी वो सारी डोगरी की पोइम्स पढ़ें। हाँ, ट्विटर हैंडल मेरा हिमानी महाजन 06 है, तो हिमानी मेरा घर का नाम है और हिना मेरा ऐसे, तो वहाँ पे मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ पोइम्स अपनी।
ऑलराइट, तो आपने सुन लिया जम्मू दी कुड़ी को। साफिन ने बताया कि जम्मू दी चिड़ी इनकी जो पोएम है, मैंने आपको बताया कि लंदन में पढ़ी गई, लोगों ने बहुत पसंद की। अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये डोगरी में लिखें, डोगरा आइडेंटिटी जो है उसे इस्टेब्लिश करने के लिए पोइट्री का सहारा लें और लोगों तक पहुँचाएँ कि खंड मीठे लोग डोगरे।